जुल्म हो, मुआशरे की बात हो, इज्तिमा की बात हो, मुआहदा की बात हो, हुकूक की बात हो, इज्तिमाई, वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, माफ़ कर देना, नरमी से बात करना, ये नहीं। वहाँ फिर जालिम के सामने खड़ा होना, उसकी गिरफ्त करना, उसका मुआख़ज़ा करना, मज़लूम की मदद करना, जालिम को जुल्म से रोकना, हत्ता के फिर वो ग़ज़वात तक जा पहुँचे, जंग तक जा पहुँचे, वो सब उसका हिस्सा, ये भी उसी अखलाक का पार्ट है। मदद करना भी उसी अखलाक के हसना का हिस्सा है। एक फ़र्द की हैसियत से आपके निजी मामलात में, निजी ताल्लुकात में, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में, ये सारे अखलाक उसमें, आपस में आप कैसे डील करते हैं, अपनी फैमिली में कैसे डील करते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने अज़ीज़ अक़ारिब के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, मुआशरे के आम इंसानों के साथ, जो भी आपके साथ बर्ताव में आता है उसके साथ आपका बर्ताव क्या है, आपकी ज़ुबान कैसी है, आपका चेहरा कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका रवैया कैसा है, निजी ताल्लुकात में आती हैं, ये उन्वान है अखलाक़ हसना। और मज़लूम की मदद, ये भी उसी अखलाक़ हसना का हिस्सा है। वो आता है जब कोई ज़ालिम ज़ुल्म करता है और वो ज़ुल्म से न रुके तो मज़लूम की मदद भी आप पर वाजिब हो, तो मज़लूम की मदद न करना भी बदखुल्की है, बद अखलाक़ी है, फिर आप मुजरिम हैं अल्लाह के लिए।